उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने शपथ ले ली है। भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी और लगातार दूसरी बार ही सीएम योगी बने। शपथ ग्रहण वाले दिन यानी 25 मार्च को सभी अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए और जिसमें एक लाइन अहम लिखी थी, शपथ राष्ट्रवाद की, सुशासन की, सुरक्षा की, विकास की। जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया है और जनता के आदेश के सामने लोकतंत्र में किसी की नहीं चलती। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव हारे लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। दिनेश शर्मा की जगह इस बार ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल में कई चेहरे रिपीट हुए हैं तो कई चेहरे नए हैं। प्रदेश में सुशासन विकास आदि को लेकर योगी सरकार की दूसरी पारी कैसी होगी इसका पता कुछ दिन में चल जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल के गठन में 2024 को ध्यान में रखा गया है। केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी भी उसी रणनीति का हिस्सा है। भाजपा किसी भी स्तर पर सामाजिक समीकरण या यूं कहें कि जातीय समीकरण बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। दलित, सैनी, जाट, मौर्य, वैश्य, राजभर, गुर्जर, ब्राह्मण, लोध, कश्यप, सैनी, यादव, पटेल आदि सभी जातियों का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में है। मुस्लिम चेहरे के रूप में दानिश आजाद अंसारी को राज्य मंत्री बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अब कैबिनेट मंत्री बन गए हैं तो ऐसे में नया प्रदेश अध्यक्ष दिया जाएगा। इस दौड़ में कई नेता हैं, लेकिन पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, मथुरा विधायक एवं पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा और MLC अश्वनी त्यागी का नाम सबसे अधिक चर्चाओं में है। हालांकि कोई नाम चौंकाने वाला भी आ सकता है। खैर, कुल मिलाकर भाजपा ने उत्तर प्रदेश में सरकार गठन के साथ ही 2024 का बिगुल भी फूंक दिया है। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ सांसद से इस्तीफा दे चुके हैं और करहल से विधायक ही रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक उनके इस कदम को मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं क्योंकि सदन में योगी सरकार के खिलाफ सीधे अखिलेश मुखर होंगे। 2024 का चुनाव सपा के लिए भी अहम है। आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति शांत नहीं बल्कि और मुखर होने वाली है। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर चर्चा है कि वह मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन शुभ गुबाहट उनके राज्यसभा जाने की भी है। वहीं बसपा बेहद कमजोर हो चुकी है। यूपी विधानसभा में बसपा का एक और कांग्रेस के दो विधायक हैं।